What is up everybody, this is Subhahrim Dove back again with a new vlog. I hope you guys are all the way fine. So basically guys, अभी almost 3:30 बज रहे हैं और मैं अपना ब्लॉग को स्टार्ट कर रहा हूँ. तो बेसिकली गाइस अभी तो मुझे जाना था हेयर कट करवाने के लिए, तो मैंने अपने जो बार्बर था उसको कॉल किया, बट वो बोल रहा है कि भाई अभी मैं थोड़ा बाहर गया हूँ तो 3-4 दिन में आऊँगा. तो मैंने कहा चलो ठीक है, 3-4 दिन और वेट कर लेंगे. वैसे जैसे ही वो आएगा वो मुझे वापस कॉल कर देगा कि हाँ भाई मैं आ चुका हूँ, आप आ सकते हो बाल कटवाने के लिए. बेसिकली गाइस मैं उसके अलावा किसी और से बाल नहीं कटवाता हूँ, बिकॉज लास्ट टाइम मैंने देवरी में कटवाए थे, तो मैं जो अंदर से सेटिस्फेक्शन फील करता हूँ बाल कटवाने के बाद वो वहाँ पे नहीं आया था. थोड़ा अजीब सा लग रहा था, यानी कि जो अपना मेन बार्बर है जिससे आप हर बार ही कटवाते हो उसी से कटवाओ तो बेटर रहता है. तो अभी तो मैं जा रहा हूँ अपने खेत. क्यों जा रहा हूँ? बिकॉज रोटावेटर चलाना है और अपने खेत को रेडी करना है मूंग की बोनी के लिए. मैं सोच रहा हूँ कल या परसों में अपन मूंग की बोनी कर देंगे, बिकॉज जो गर्मियों में है, गर्मियों में अपने पास कुछ काम नहीं रहता है, तो अपन कुछ काम बनाएंगे. वो काम क्या रहेगा कि हम पहली चीज़ तो टमाटर की वो गर्मियों वाली फसल उगाने वाले हैं, दूसरी चीज़ हम मूंग की बोनी करने वाले हैं, और क्या, और बाकी प्याज आजकल चलता रहेगा. ठीक है, तो अभी कंटेंट तो अपने पास काफ़ी सारा है, तो अभी तो अपन चलने वाले हैं खेत जॉन डीयर ट्रैक्टर को लेके, और अपन ट्राली भी साथ में लेके चल रहे हैं. वहीं पे अपन खेत में खोद देंगे, यहाँ पर क्यों रखी है फालतू में. तो लेट्स गो. और मैं अभी जॉन डीयर में डीजल चेक कर रहा हूँ, तो इसमें डीजल काफ़ी ज़्यादा कम है, तो उसमें डीजल हमें डालना पड़ेगा. और मैं जॉन डीयर क्यों ले जा रहा हूँ? बिकॉज जॉन डीयर है रोटावेटर स्पेशलिस्ट, ये रोटावेटर को काफ़ी अच्छे से चलाता है, उसका टर्निंग रेडियस काफ़ी ज़्यादा कम है, तो इसलिए अपन जॉन डीयर को लेके जा रहे हैं. तो अभी तो इसमें डालते हैं डीजल. हैवी है रे, जल्दी जल्द डाल के हो गया पवन फ्री. तो अब जल्दी से चलते हैं खेत की तरफ, अदरवाइज हाँ डैडी गुस्सा होंगे, बिकॉज वो पहले ही जा चुके हैं बड़ा वाला फोर व्हील ड्राइव ट्रैक्टर लेके. वो कल्टीवेशन का काम कर रहे हैं जहाँ पे अपने गन्ने लगे हैं, गन्ने के बीचों बीच. ऑल सेट गाइस, तो अपन आ चुके हैं अपने खेत और अब अपन इसमें रोटावेटर अटैच करेंगे. तो बेसिकली गाइस अपन आए तो थे रोटावेटर कनेक्ट करने के लिए, बट पापा का कॉल आया कि बोलने लगे कि सीडिल फंसा लो और गन्ने की जुताई करनी है सीडिल से. चलो मुकदम सीडिल फंसवाओ. तो बेसिकली गाइस हमें इनके अंदर चलानी है सीडल को, ताकि जो अपने बीच में गन्ने हैं इन पे भी कोई इफेक्ट ना आए और अपनी जो कल्टीवेशन टाइप वो भी हो जाए. पापा कर ही रहे हैं यू कैन सी, बट पंजी से अच्छे से नहीं हो रहा है, तो अपन सीडल से करेंगे. अपन क्या करेंगे कि सीडल के तीनों बीच वाले टांस खोल देंगे और साइड वाले लगे रहने देंगे. इससे क्या होगा कि जो बीच में गन्ने हैं उनको कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, बट आजू बाजू जो भी प्लांट्स हैं वो सारे के सारे मर जाएंगे. ठीक है, तो अब इन तीन को खोल लेते हैं और फिर मिलते हैं. आया हूँ, इसको खोलने का काम स्टार्ट करते हैं. लास्ट टाइम मैंने नट तोड़ दिया था, आई रिमेम्बर, ब्लॉग भी बनाया था उसका. करता का मुँह ही नट तोड़ डाला, तो एक्चुअली गाइस मैं अच्छे प्यार से खोल रहा था, फिर खुल ही नहीं रहा था. मैंने कहा लो भी रे बॉडी बिल्डर सू, और अभी टूट गया, अब क्या पता कैसे निकलेगा ये. लेकिन ये प्रॉब्लम बन गई यू कैन सी. चलो बाकी तो देखो पिलाऊ के असदार हो जाए, भैंस की नहीं हो जाए आनी गाय. कहो गियो पिन नहीं लग रही है, काय नहीं लगे पिन, लगाओ तो तुम चबड़ी बांध के इनमें तो लगा. वो मैं तो लग जाता दी में तो लगाने नहीं, मैं जी लगा दे वो मुझे लगा दे जो चबड़ गए थे गाय. चट चट नहीं बढ़ जाती, देख सकते हो गाइस हमने इसको खोल लिया है. जो जगह नहीं गिरी, नशा में है का, गिर तो कहीं गाय थी नहीं, घर तो गई थी नहीं. अच्छा जहाँ नहीं गिरी, चल मुरे पाँव में गल गई का भगवान का जान है का होगा. एक हूँ पर बांध दे कर चबड़ी बांध के, पहले चबड़ी बांध दो ऊपर, कैसे बांध दे ऊपर बांध दो खास बांध ऊपर लगे, पहले तो चबड़ी बांध दो बाद में देखिए. और चबड़ी बांध यार, चबड़ी है हल्की ये से वन टॉप लिंक से जा उठे से बा उठे जा उठे से जा मैं उठी 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 ये हल्की करने पर सबसे पहले चीज तो जा, हल्की तो है ही वो हल्की करने पर. हाँ अब बाद में कर ले भी कल तक नहीं, चावड़ी बांधो पहले तो
वो अच्छी उम्र उठा बांधो कहाँ तो तुम बांध भी गए थे बांधो चका में लिया इसे गिर गया था और अब हमें इसको उठाना है तो अब मुकदम आ रहा है तो हम दोनों थोड़ा ताकत का प्रयोग करेंगे हाँ मुकदम चावड़ी ने बांध थी यार एक बार हम कितनी चावड़ी बांध ले भी करेगा जो काम कर हम फिर उठा दे अकेले उठा ले जय बजरंगबली का जन रो इधर पीछे होंडार था ना हुआ बोर वजनदार रे दादा फिर नहीं उठने के ताऊ का चल ले एक मेरा कर यहीं फंसा के जा वा सारे ये तेज कर आंधी भाग ली चलो बहुत खराब रही था सीधा की बना चलो अपन सीडल में जा छड़ फंसा दे जी चल तो काफी मशक्कत के बाद थोड़ी सेटिंग तो बन गई है और इसको चला के देखते हैं ऑल सेट गए तो अब मैंने ट्रैक्टर दे दिया पापा को और पापा आगे आगे पंजे चला रहे थे एज गुंसी मैं पीछे से सीड ड्रिल चला रहा था और पापा ने पहले ही काम ख़त्म कर दिया वो वाला ट्रैक्टर चला रहे हैं मैं उनके लिए पानी लेने जा रहा हूँ तो चलो और नारियल भी रखे हैं मैंने अभी वो भी नहीं फोड़े हैं और प्याज देख सकते हो प्याज 20-25 दिन में खोदने के लिए हो जाएगी रेडी तो जैसे ही अपन इस काम से फ्री होंगे थ्रेसिंग वगैरह के काम से फिर अपन प्याज पे फोकस करेंगे और गन्ने भी देख सकते हो उनके अंदर अभी अपन यूरिया और डीएपी का मिक्सचर डलवाया है और उसके बाद अपनी इस गेहूं की भी कटाई होनी अभी तो इसमें 10 दिन और लगेंगे ठीक है 10 दिन में ये वाली गेहूं रेडी हो जाएगी तो हम इसकी भी थ्रेसिंग करनी पड़ेगी और अभी तो लेके आते हैं पापा को पानी लेट्स गो पानी तो भर लिया है और न्यू हॉलैंड अपना यहीं पर खड़ा है बिकॉज अपन कल इसको घर पर नहीं ले गए थे तो चलो पापा को पानी लेके आते हैं ऑनियन चेकआउट करो गाइस तो अब अपना सारा का सारा काम हो चुका है और अब मैं वापस जाने लगा हूँ घर की तरफ पापा दूसरा ट्रैक्टर लेके जा रहे हैं मैं ये वाला लेके जा रहा हूँ और बस चलो घर पे चलते हैं और बाकी का ब्लॉग कंटिन्यू करेंगे अगले दिन मॉर्निंग में।